तो चलिए फाइनली अपना पीसी आ गया है। अब हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं, तो बहुत ही तगड़े स्पेक्स भी हैं, उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। अभी मेरा पता नहीं कटर भी कहाँ चला गया है, तो हमको इससे ही काटना पड़ेगा। इसके लिए कितनी बार दौड़े हैं? दूसरी तीसरी बार, तीसरी बार गए हैं। एक दिन गए तो बना नहीं, दूसरा दिन गए तो कुछ और हो गया, फिर कुछ और हो गया, फिर तीसरी बार फाइनली हमें मिला है। इसको निकालना भी बहुत बड़ा मेहनत का काम है। इसको हम पहले से निकालेंगे, दिखाते हैं आप लोग को इसका ब्यूटी। रियल स्ट्रगल तो यही है इसको निकालना, पर कहीं अगर फ्यूचर में लेके जाना हुआ तो तब तो और लंका लग जाएगा। बहुत भारी है, बाप रे बाप, इतना वजन कैसे इसको हैंडल करेंगे। ठीक है, अब इसमें लगाना पड़ेगा पावर, तो पावर केवल उधर है, इसको और थोड़ा सा करते हैं। और ये बोल रहा है था कि मेट्रो से लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो हम उधर आते हैं। इसको हम लोग को लाने में ही 2000 खर्चा हो गया है। ठीक है, तो फाइनली ये ऑन हो गया है। पता नहीं वहां से केबल हिला था या यहाँ से हिला था, बट ये देख सकते हो आपके ऑन हो गया है। थोड़ा वीडियो दिखा देना। ठीक है, अपना ये तो ऑन हो गया है। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, मॉनिटर नहीं है तो अभी हम मॉनिटर को कनेक्ट कर लेते हैं। मॉनिटर भी हमारा आ चुका है आज। ये सब में मेरे मिस्टर बहुत फास्ट है, लेकिन कपड़ा के लिए बोल दो महीना से बोले जा रहे हैं। और ये देखो, ये हमारा मॉनिटर आया है LG 27 इंच का, 27GN 800, इसका प्राइस है 23,000 रुपीज। ठीक है, तो इसको जल्दी से अब हम साथ में अनबॉक्स कर लेते हैं। इधर मस्त वाला दिख रहा होगा आपको, सेक्सी सा लग रहा है, तो इसको भी ओपन करने के लिए हमें अपना जुगाड़ निकालना पड़ेगा। ये मॉनिटर है, इसको थोड़ा अभी साइड रखते हैं। इसके बाकी स्टैंड वगैरह कहाँ है पता नहीं, तो दिख नहीं रहा कुछ, और इसको थोड़ा साइड में रखते हैं अभी। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ बॉक्स मिला है, सॉरी बॉक्स नहीं, सामान, इसको हम रख देते हैं नीचे। मॉनिटर को निकालते हैं। तो ये वाला जो है ना, ये इसके अंदर जाएगा, मतलब असेंबल करना तो बहुत ही आसान था, ये ऐसे चला गया। ठीक है, अब ये जो है हमारा डिस्प्ले पोर्ट, यहाँ पे देख सकते हो कितने पोर्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। एक हमें HDMI 1, 2 और DP पोर्ट, और यहाँ पे ये है पता नहीं DC इन, ये तो पावर के लिए, और ये हमारा ये माइक के लिए दिख रहा है, माइक या हेडफोन के लिए। ठीक है, इसको हम लगाते हैं, इसमें लगाते हैं। ठीक है, अभी देखो एक क्लिक का आवाज़ तो आया है, इसको इस पर पता नहीं इसे रखना होगा। सर स्क्रीन देखिए, स्क्रीन, अभी हमारा PC सेटअप अधूरा है क्योंकि यहाँ पे RGB का थोड़ा तड़का और बाकी है। ठीक है, तो इसके लिए हम निकालेंगे ये जिब्रोनिक्स ट्रांसफॉर्मर, ये मुझे पड़ा है 1300 रुपये का। तो हमारे पास कीबोर्ड, मॉनिटर और ये तीनों आ चुका है, और इसका टोटल प्राइस मुझे पड़ा है अराउंड 1.8 टू 1.9 लाख रुपीस। तो ये हमारा ड्रीम PC कह सकते हैं। इसमें जो सारी कंपोनेंट लगी है वो हाई एंड लगी है, और इसके बारे में कुछ हम ये भी बताएंगे कि कौन सी गलतियाँ हुई हैं जो आपको नहीं करनी है, तो वो सारी चीज़ें भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम आपको ये करेंगे, ये
हमारा देखिए, अब देखिए इसका लुक, और इधर से भी ये थोड़ा इसको हटा लिया जाए। अब देखिए इसका लुक, देखिए तो ये लुक ही नहीं, इसमें पूरा कंपोनेंट जो इसका लगा हुआ है वो भी हाई एंड लगा हुआ है। तो बताते हैं आप लोग को, पहले थोड़ा सा वीरोल देख लीजिए कि ये जब लाइट बंद हो जाएगा तो कितना ज़्यादा अच्छा पीसी देखने में लगता है। और यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो जैसे अगर आपको कोई और कलर पसंद हो तो हम ऐसे कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये देखो। ठीक है, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। हमें तो ज़्यादा ये अच्छा लगता है, येल्लो इस टाइप का थोड़ा, या फिर रेड या फिर ग्रीन, ये तीनों ज़्यादा अच्छा लगता है, वैसे आप लोग बताइएगा। तो चलिए आप लोगों को पहले बीरोल दिखा। तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, सारा कंपोनेंट भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होता है हमारा प्रोसेसर। तो इसमें हमारा जो प्रोसेसर लगा है वो है i7-13700K। ठीक है, तो इस प्रोसेसर को हमने लगाया है, इसका कॉस्ट हमें पड़ा है अराउंड 40,000 रुपीज़। तो ये कंपोनेंट हो गया। उसके अलावा जब हमारे पास अगर प्रोसेसर लग गया तो उसके बाद रैम की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने देखिए ट्राइडेंट जी स्किल का ट्राइडेंट है, ठीक है, RGB वेरिएंट ही ले रखा है। और इसका जो है वो 32GB का हमने किट लिया था, 16GB x 2, तो ये मुझे पड़ा है अराउंड 16,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसको भी रखते हैं साइड में। उसके बाद तीसरी चीज़ जो कि है स्टोरेज। ठीक है, तो स्टोरेज में हमने लगवाया है सैमसंग 980 प्रो। ठीक है, तो ये हमारा सैमसंग 980 प्रो, जिसका कॉस्ट हमें पड़ा था अराउंड 10,000 रुपीज़, 1 TB का ये SSD है। इसके अलावा हमारे पास एक 4 TB की और SSD लगी है, उसका बॉक्स वॉक्स तो नहीं अपने पास, तो वो हमने लगवाया था 4 TB का WD ग्रीन ब्लू ऐसा कुछ आता है, तो उसका लगवाया था, उसका भी कॉस्ट अराउंड 8,000 to 10,000 रुपीज़ पड़ी थी। ठीक है, उसके बाद पावरफुल, ठीक है, जो कि हमें ज़रूरत थी RTX 3060 Ti, ये है हमारा, देखिए NVIDIA का RTX 3060 Ti। अब हमारा पता है मुझे कि यहाँ पे बॉटल ने क्रिएट करेगा ये, लेकिन जो हमारे रिक्वायरमेंट थे वो पूरा हो जा रहे थे इससे। इसमें ज़्यादा कूडा कोर था, हमें एडिटिंग करने थे, तो हमने 3060 Ti को ही लिया। 3070 Ti या फिर 4070 तो खैर बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता, बट 3070 से ज़्यादा बेटर ये 3060 Ti है। ठीक है, तो ये हमने परचेज करा। उसके बाद जितने भी कंपोनेंट आपको देखने मिलेंगे ना, वो सारे टॉप एंड कंपोनेंट ही हैं और टॉप कंपनी की ही हमने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, अब ये देखिए हमने जो लिया है SMPS बोलो, पावर सप्लाई बोलो, ये है हमारा कोरसेयर का RM750E। ठीक है, मतलब कि 750 वाट का ये हमारा आई थिंक गोल्ड होगा ये, हाँ गोल्ड सर्टिफाइड हमारे पास ये SMPS लगा रखा है। ठीक है, कॉस्ट ऐसे ही नहीं, ये 2 लाख रुपए तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जिस पे सारा चीज़ फिट होगा, ठीक है, इसके अंदर सामान है, तो ये है GigaByte का Z790UDAX, मतलब कि इसमें वाईफाई आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो एक वाईफाई का एंटीना भी लगा हुआ है, जिससे वाईफाई आसानी से कैप्चर होता है। ठीक है, तो ये है GigaByte Z790UDAX। ठीक है, इसका जो कॉस्ट पड़ा था अराउंड 25,000 रुपीज़ पड़ा था। ठीक है, तो हमने मदरबोर्ड देख लिया, हमने प्रोसेसर देख लिया, सब कुछ देख लिया। अभी तक जो था ना, उसमें हमने कहीं पे भी ज़्यादा कुछ मतलब सारी टॉप एंड चीज़ें लगाई थी। उसके बाद जो है ना, अब थोड़ा RGB का तड़का चाहिए था, जो इधर दिख रहा है आपको ना, ये पूरा जो रंगीनियाँ दिख रही है उसका तड़का चाहिए था। प्लस एक हमें, क्योंकि i7 जो प्रोसेसर है ना अपना, ये हीटिंग इशू बहुत देता है। ठीक है,
ये मुझे पता था कि i7 की हीटिंग इशू आने वाली है, तो हमने लगवाया है इसमें एक Vortex 360, ठीक है, Vortex 360 का ARGB लिक्विड कूलर, ठीक है। तो ये लिक्विड कूलर जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा या फिर जो इसके टॉप पे फैन लगे हैं वो इसी के हैं, एंटेक का, ये है Vortex 360। इससे पहले हमने डीपकूल का लगवाया था, बट डीपकूल वाले में इशू आ गया था, तो उसकी कहानी बाद में बात करेंगे। बट यहाँ पे डीपकूल का लगा था इससे पहले, इसको सेलेक्ट करने से पहले मैंने डीपकूल सेलेक्ट करा था, बट वो हो नहीं पाया। इसके अलावा जिस जो इसका घर है, ठीक है, जितनी भी ये कंपोनेंट लगी उसका घर है, इसको बोलेंगे हमारा कैबिनेट। तो कैबिनेट जो हमारा लगा है वो लगा है लियानली का O11 डायनामिक, ठीक है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ा। उसका प्राइस था अराउंड 13,000 रुपीज़। हाँ, और इसका प्राइस तो मैंने बताया नहीं, इसका प्राइस अराउंड 10,000 रुपीज़, और जो हमारा ये 3060 Ti है इसका अराउंड 35,000 रुपीज़, 35-36,000 ऐसे ही कुछ हमें पड़ा था। उसके अलावा ये हमारे पास है जेब्रोनिक्स का, ये तो खैर कॉस्टली नहीं है, जेब्रोनिक्स कहीं लिखा है क्या, जेब्रोनिक्स का ट्रांसफार्मर, हमारे पास कीबोर्ड प्लस माउस कॉम्बो जो कि 1300 रुपीज़ का था, और आपने तो वो देख ही रखा है, ठीक है। तो आई थिंक कि हमने सारे कंपोनेंट कवर कर लिए। उसके अलावा जो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो ये हमारा मॉनिटर है LG का, नाम मेरे को याद नहीं है, मैं लिख दूँगा, ठीक है। इसका प्राइस पड़ा था 23,000 रुपीज़। तो ये सारे अगर प्राइस को जोड़े तो अराउंड हमारा जो बैठा है खर्च टोटल वो पड़ा है 2,00,000 रुपये के अराउंड, ठीक है, 1,80,000, 90,000, 2,00,000, इसी के अराउंड ये टोटल कॉस्टिंग हमें देखने को मिली है, ठीक है। तो हर एक के लाइफ में अगर किसी का सपना होता है PC बनवाना, तो उनका ड्रीम होता है कि इस टाइप के, इस हाई एंड की PC बनवाई जाए, और मैं लक्की हूँ कि मुझे बनाने को मिल गया। तो चलिए, अगर आप भी PC बनवाना चाहते हैं, कुछ सपोर्ट वगैरह चाहिए कुछ कंपोनेंट सेलेक्ट करने में, तो आप पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगले वीडियो में मिलेंगे कभी। बाय बाय।